कोरिया जिले के राजीव भवन में कांग्रेस नेता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियों को रद्दी कर रही है, जबकि मालगाड़ी लगातार चल रही है और मरम्मत कार्य के नाम पर ट्रेन रद्द कर दी जा रही है। कोरोना काल में बंद ट्रेनों को अभी तक चालू नहीं किया गया। से सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां आ रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की ट्रेन बार बार रद्द की जा रही है, इसके विरोध में हमारे तरफ से जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। आने वाले समय में जहां जहां केंद्र सरकार का विरोध करना, जो कि आज समझ में आ रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोगों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है, तो सिर्फ रेलवे के इन नीतियों के कारण के लिए नहीं, बाकी जो जो इनकी गलत नीतियाँ आएंगी उन पे हम सभी अपनी अपनी जगह से इसका विरोध करेंगे। और ट्रेनों के रद्दी करने का जो रवैया अपनाया और ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन का जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसका विरोध कांग्रेस कर रही है, क्योंकि जो सुविधाएं छात्रों को थी, जो सुविधाएं विद्यालयों को थी, जो सुविधाएं सीनियर शिक्षक को थी, वो सारी सुविधाएं बंद कर दी और मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है।